और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, मान्य उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना के को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में दो पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और मान्य राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, मान्य लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए, फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।